हमारे यहाँ से पश्चिम 10 किलोमीटर दूर एक सनोला बस्ती है, वहाँ पे एक अजर बाइक सर्विस सेंटर है, जो काफ़ी दिनों से वो अपना सर्विस सेंटर चला रहे हैं। और कल की बात है, कल अचानक उसके दुकानों में रात में चोरी हो गई, और रोज़ डेली वो घर जाते हैं, और जब कल सुबह वो अचानक दुकान खोले तो देखा कि सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो फिर उन्हें पता चला कि दुकानों में चोरी हो गई, और उसकी जो साइड में जो दीवार था वो दीवार तोड़कर चोरों ने उसके काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह महंगे महंगे पार्ट्स से चोरी करके ले गए। दरअसल दोस्तों बात यह है कि उसकी दुकान से में जो शटर लगा हुआ है वहाँ से कोई भी एक भी तारा नहीं तोड़ पाया उन्होंने चोर ने, लेकिन साइड में जो एक वेल्डिंग का दुकान है, वेल्डिंग की दुकानों में चदरा वाला एक गेट लगा हुआ है, तो उसमें मात्र एक ही ताला लगा हुआ है। वो एक ताला उसको तोड़ना बड़ा ही आसान पड़ा, और वो एक ताले को तोड़ कर साइड से दीवार तोड़ दिया। दीवार तोड़ने के बाद वो अंदर चले गए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि चोर देखिए कि एक मतलब बाइक सर्विस सेंटर में भी आप चोरी करने लगे हैं, इससे पहले कभी तो हमने इस तरीके से सुना नहीं था। हालांकि हो सकता है कि आपके क्षेत्र में या फिर आपने सुना हो कभी बाइक स्पेयर पार्ट्स चोरी हुई हो। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बाइक चोरी करते हैं, लेकिन बाइक चोरी के साथ साथ ये बाइक के स्पेयर पार्ट्स चोरी करना ये कौन सी बात हो गई। तो यहाँ पे हीरो की काफ़ी सारे महंगे महंगे पार्ट्स था उनके पास, और साथ पे बैटरी था महंगा महंगा, चेनस पॉकेट वगैरह, ये सब जानकारी के मुताबिक पता चला कि ये सब चीज़ें उसके दुकानों से चोरी करके ले गए। तो करीब उसका कहना है कि 1,82,000 के करीब दुकानों से चोरी हो गई है। मैं भी विश्वास रखता हूँ इस बात को कि 1,82,000 का जहाँ तक सामान हम लोग इतना रख लेते हैं, बराबर सर्विस के लिए रनिंग आइटम इतना महंगा महंगा सब होता है। मोबिलियर भी उसके दुकानों से चोरी हो गई, इंजन का जो स्पेयर पार्ट्स होता है, क्लच प्लेट, सेंटर हब वगैरह, हीरो के जेन्युइन आइटम सब, वो सब चोरी करके ले गया। छोटा मोटा चीज़ें वो कह रहे थे कि सामान रखा हुआ, बाकी महंगा जो सामान था वो सारे चोरी करके ले गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग भी होशियार रहें, सावधान रहें। अगर आप भी एक सर्विस सेंटर चला रहे हैं, हमारे तरह एक वर्कशॉप चला रहे हैं, आप भी इस तरह के स्पेयर पार्ट्स रखे हैं, तो स्पेयर पार्ट्स को भी आप लोग बचाएं। ऐसा नहीं कि हम बाहर में जो गाड़ी खड़ी करते हैं सर्विस का, जो गाड़ी रात में रुकता है नहीं ले जा पाता है कस्टमर, तो सिर्फ उन्हीं का देखभाल करेंगे। उसके साथ साथ हमें अपनी दुकानों के स्पेयर पार्ट्स भी देखना चाहिए कि ज़्यादा मेहनत करके हम लोग स्पेयर पार्ट्स बढ़ाते हैं अपनी दुकानों में, और एक दिन अगर ऐसा चोरी हो जाता है तो बहुत ही दुख की बात होती है, बहुत ही अफसोस होता है हम लोगों को। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत करके हम लोग बाइक सर्विस करते हैं, रिपेयर करते हैं, और पैसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग स्पेयर पार्ट्स आगे बढ़ाते हैं। ये सुनकर मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुआ। हमारे साथी हैं अजर भाई, अजर भाई मुझे पहचानते हैं, मैं भी उन्हें पहचानता हूँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो करीब 10 साल से अपने वर्कशॉप चला रहे हैं और अच्छे मैकेनिक भी हैं वो, उस एरिया में समझो कि उस क्षेत्र में फेमस मैकेनिक है अभी अजर भाई, और उसकी दुकानों में इस तरीके से चोरी हो गई। तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को तक भी बताना चाहिए। हमारे कई सारे मैकेनिक लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कभी इस तरह के स्पेयर पार्ट्स लेकर कोई भी आम आदमी आता है देने के लिए आपको, तो उसे छानबीन करा या फिर उसका फ़ोटो या वीडियो शूट कर लें, ताकि हमें आगे जानकारी पहुंच सके कि कहीं वही चोर तो नहीं है जो अजर भाई की दुकान में चोरी हुई थी। अगर वो चोर नज़दीकी क्षेत्र का होगा या फिर कोई आम आदमी होगा, वो एक मैकेनिक नहीं होगा, तो ज़रूर मैं जानता हूं कि वो सारे स्पेयर पार्ट्स तो घर में रख नहीं सकता है, वो किसी भी मैकेनिक को दे सकता है। अगर आपके पास किसी कभी भी अगर इस तरह के आदमी आता है तो आप इस पर ध्यान दें और खबर लगाएँ, और उसके बाद डायरेक्ट आप हमें फ़ोन करके बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अजर भाई का मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उन्हें बताएं कि इस तरह के आदमी हमारे पास आया था, और इस तरह फ़ोटो वगैरह कुछ भी उसको सेंड करके उसकी जानकारी आप उसे दें। ये हमारा फर्ज बनता है, हम उसका हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल में नई है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग से जुड़ी हर दिन नई नई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मैं हूँ कासिम ओटो, झारखंड गोटा नरवी से।